नमस्कार दोस्तों, 69 भर्ती से संबंधित आज की बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर है आपके 69 सहायक अध्यापक भर्ती परिणाम। आज मतलब आज मंगलवार को जो है आपका परिणाम जारी हो जाएगा दोपहर बाद, और कल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। किस वेबसाइट पर होगा? तो उस वेबसाइट का नाम है atrexam.upsdc.gov.in। आप इसी पर जाइएगा, रिजल्ट के लिंक को क्लिक करिएगा, परीक्षार्थी द्वारा जो भी जानकारी मांगी जाएगी आप उसे सबमिट करिएगा। वेबसाइट पर जानकारी सबमिट करने के बाद परीक्षार्थी का रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब रिजल्ट जारी होगा उसके बाद कट ऑफ डिसाइड होगा। कट ऑफ डिसाइड करने के बाद आपको अलग से एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जिसमें 69 भर्ती से संबंधित जो भी अभ्यर्थी 90-97 के कट ऑफ में आ रहे होंगे, उन सबको अपने जिले का जिलेवार च्वाइस काउंसलिंग करने मतलब जिलावार अपनी च्वाइस भरनी पड़ेगी। तो एक खबर ये हो गई। इसके बाद एक और खबर पे आते हैं, 68,500 के चयनितों को बाहर करने की मांग। आपको सबको मालूम होगा 68,500 में जो हाई मेरिट वाले बच्चे हैं उनको उनका गृह जनपद नहीं मिल पाया था, वो सब बाहरी ज़िले में, और ऐसे अभ्यर्थी करीब करीब 5 से 10 हज़ार होंगे। तो 69 भर्ती के जो चयनित हैं उन्हें यह बड़ी समस्या है कि 68,500 में जो चयनित उम्मीदवार हैं, अगर उनने भर दिया तो 5 से 10 हज़ार सीटें कम हो जाएंगी। तो उन्होंने शासन से मांग रखी है 69 भर्ती अभ्यर्थियों ने कि 68,500 के चयनितों को भरने न दिया जाए। इसके अलावा एक और बड़ी खबर पे आते हैं, हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शिक्षा मित्र पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएशन ने अपने अपने संगठन की तरफ से याचिकाएं दायर कर दी हैं, और प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने अपने वकील के जरिए याचिका दाखिल की है। ऐसे ही अन्य 3-4 लोगों ने दाखिल कर दी है। मंगलवार बुधवार तक क्लियर हो जाएगा कि उनकी जो याचिका दायर की गई है वो किस बेंच में जाती है और उसका डिसीजन क्या आता है। 69 शिक्षक भर्ती का आ जाएगा नतीजा। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार के कटअप बढ़ाने के फैसले को सही ठहराते हुए परिणाम जारी करने का दिया आदेश। यह हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक और बड़ी अखबार की खबर है, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि इंतजार खत्म, आ जाएगा परिणाम, कल से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे। साथ में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शिक्षा मित्र पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा धन्यवाद। इसी तरीके से रैम अकेडमी के यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, और आपको इसी तरीके से 69 भर्ती संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाते रहिए। प्यारे बच्चों, कल दो बयान आए शिक्षा मंत्री द्विवेदी जी के। उन्होंने एक बयान में आनलाइन टीवी को दिए साक्षात्कार में कहा कि एक हफ्ते के अंदर नियुक्ति पत्र का मतलब है कि प्रक्रिया पूरे जोरों शोरों पर है। बहुत जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि जो 69 भर्ती में चयनित अभ्यर्थी उन्हें परिणाम मिले और नियुक्ति